गुड मॉर्निंग साइंस चैप्टर 5 एनिमल्स एंड देयर होम्स। एनिमल्स नीड हाउस टू लिव इन, दे नीड रेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज एंड बैड वेदर्स एंड अ सेफ प्लेस फॉर देयर यंग वंस टू ग्रो। सम बिल्ड हाउस ऑफ देयर ओन, सम चूज सर्टेन प्लेसेस एज देयर होम एंड लाइफ। एनिमल्स नीड हाउस टू लिव इन, एनिमल्स को रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है, घर रहने के लिए, और उनको क्या ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट, जो घर मतलब किस लिए ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट के लिए, प्रोटेक्शन एनिमल एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेद जो वेदर होता है उससे अपने आप को सेफ करने के लिए, और यंग वंस को ग्रो, जो उनका यंग वंस होता है उनको ग्रो के सेफ प्लेस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनको हाउस की ज़रूरत होती है। कुछ जो है वो अपने आप घर बनाते हैं, और सम जो है चूज़ करते हैं कुछ स्पेशल प्लेस, मतलब एक सर्टेन प्लेस चूज़ करते हैं जो उनके होम मतलब घर के लिए, और वहाँ रहते हैं। नेचर एज शेल्टर, लायन लिव्स इन अ केव। सम बिल्ड एनिमल्स लाइक लायंस एंड फॉक्सेस यूज केव्स एंड डंस एज देयर होम्स। दीज एनिमल्स डू नॉट बिल्ड देयर होम्स बट चूज नेचुरल शेल्टर। द एलिफेंट रेस्ट अंडर द शेड ऑफ बिग ट्रीज, द मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, द ट्री इज इट्स होम एंड शेल्टर, इट गोज फ्रॉम ट्री टू ट्री गैदरिंग फ्रूट्स एंड नेट्स। मतलब लायन जो है वो कहाँ पर रहता है, केव में, जैसे फॉक्स जो है वो केव, मतलब लायन और फॉक्स जो है केव्स और डंस में रहता है, और ये एनिमल्स जो है अपना मतलब बिल्ड दे डू नॉट बिल्ड देयर होम्स, वो अपना घर नहीं बनाते हैं, बट चूज नेचुरल शेल्टर को वो लोग चूज़ करते हैं। द एलिफेंट जो है वो एक बड़े से ट्री के नीचे रेस्ट करते हैं, उनका घर वही है। मंकी जो है वो ट्री में रहते हैं, और वो अपना घर मतलब वही ट्री में उनका घर है, और एक ट्री से दूसरी ट्री में फ्रूट्स और नट्स के लिए मतलब उछलते हैं, वही उनका घर है मंकी का। फिर नेस्ट एज होम, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च इन इंडिया। They collect materials to build their nest. They try to choose safe places to build their nest. Both the mother and father work together. It is interesting to watch them picking up twigs and pulling out straw. They even carry tiny feathers and cobwebs in their beaks to make the nest and lay eggs. बर्ड जो है वो अपना नेस्ट बनाते हैं जनवरी एंड फरवरी के मंथ में। वे जो है मटेरियल कलेक्ट करते हैं अपने नेस्ट के लिए, और वो एक चूज़ करते हैं सेफ प्लेस को टू बिल्ड देयर, मतलब अपने नेस्ट को बनाने के लिए एक सेफ प्लेस चूज़ करते हैं। मदर और फादर जो है दोनों वर्क करते हैं, और ये क्या करते हैं मतलब टहनियों को उठा उठा के, पतले पतले जो टहनियाँ होते हैं उनको उठाते हैं, और इनको उठा उठा के अपने मतलब उनको ले आते हैं नेस्ट में। फिर छोटे छोटे फेदर्स लाते हैं, और अपने बीक से इनको ले आ करके नेस्ट में देते हैं, उससे नेस्ट बनाते हैं, और उसमें अपना अंडा एग्स जो है वो मतलब देते हैं। फिर डिफरेंट बर्ड्स चूज डिफरेंट प्लेसेस फॉर देयर नेस्ट। द क्रो चूजेज द टॉप ऑफ द टॉल ट्रीज। क्रो कहाँ चूज़ करता है, टॉप जो ट्री होता है उसके टॉप में चूज़ करते हैं वो अपना नेस्ट बनाने के लिए। द स्पैरो चूजेस कॉर्नर्स इन द रूफ, सेफ प्लेसेस बिहाइंड वॉल हैंगर्स, वॉल मिरर एक्सेट्रा। स्पैरो कहाँ चूज़ करते हैं, रूफ्स में या सेफ प्लेस में, जैसे वॉल हैंगर हुआ उसके बिहाइंड पीछे, या वॉल मिरर हुआ वहाँ पे। द पिजन लुक्स फॉर अ होल इन अ वॉल और इन एन इन ओल्ड बिल्डिंग। पिजन कहाँ पे मतलब वॉल के होल को देखते हैं, वहाँ अपना घोंसला बनाते हैं, या ओल्ड बिल्डिंग्स में। द बुलबुल चूजेज अ कॉर्नर इन अ बुश। वो झाड़ियों, बुलबुल कहाँ चूज़ करता है, मतलब एक बुश के मतलब झाड़ियों के किनारे को चूज़ करता है। द किंग फिशर मेक्स अ टनल ऑन द बैंक ऑफ अ पॉन्ड। पॉन्ड के जो मतलब बैंक जो होता है मतलब उस किनारे में किंग फिशर अपना उस जगह को चूज़ करते हैं। वुड पिकर्स जो है ड्रिल अ होल इन अ ट्री ट्रंक। जो ट्री के जो ट्रंक मतलब जो टहनी होती है उसको वो होल करके उसमें वुड पिकर अपना नेस्ट को बनाते हैं, उसमें नेस्ट, फिर उसमें एग मतलब एग अंडा देते हैं। पैरट्स आउल्स हॉर्नबिल्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्री ट्रंक। कहाँ पैरट आउल ये कहाँ पे बनाते हैं, ट्री के ट्रंक पे, शाख मतलब टहनी में। अ टेलर बर्ड्स यूज इट्स शार्प बीक्स टू स्टिच बोर्ड्स लीव्स टू मेक अ नेस्ट। टेलर बर्ड्स क्या करते हैं, शार्प बीक मतलब उनका बीक जो है वो शार्प होता है, उससे वो स्टिच बोर्ड्स लीव्स मतलब चौड़े चौड़े लीव्स को उसको स्टिच कर लेते हैं
उनको सिल लेते हैं और एक नेस्ट तैयार करते हैं. द वेवर बर्ड्स मेक स्किलफुली इट्स नेस्ट और बिग ट्रीज. द नेस्ट लुक लाइक्स एन अप टर्नड बॉटल विद अ लॉन्ग नेक. जैसे इनका वेवर बर्ड्स का जो है वो नेस्ट देखने में कैसा लगता है, जैसे कोई बॉटल वो लंबी गर्दन वाली एक मतलब उल्टा बॉटल को उल्टा करके रख दिया तो उस तरह का उनका नेस्ट देखने में लगता है. अ कुकू बर्ड्स इज़ अ लेजी बर्ड. कुकू क्या होता है, वो बहुत ही लेजी बर्ड होता है. इट डज़ नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट बट ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स. कुकू जो है बहुत ही लेजी बर्ड है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और वो अपना एग कहाँ पर देती है, दूसरों के नेस्ट में.